अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पर दिया, रमन प्लेज हॉकी, तो इसको चेंज कर दिया नेगेटिव में, रमन डज नॉट प्ले हॉकी, आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी या डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ही किल्ड द स्नैक, ही डिड नॉट किल द स्नैक, मिस जैदी लुक्स हैप्पी, मिस जैदी डज नॉट लुक हैप्पी, शी हैड हर मील, शी डिड नॉट हैव हर मील। अब इस तरीके से इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट आएंगे जो आगे आपको समझने में मिलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे यहाँ पर हैड लगा था और यहाँ पर डिड नॉट के साथ हैव लग गया, हैड नहीं लगा। तो ये आप लोग को जब भी आप लोग कोई बात कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, रीडिंग करते हैं, तो अगर आप लैंग्वेज के ऊपर अपना अच्छा कमांड चाहते हैं तो उसमें एक प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी। उसको स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोग को जितना जल्दी हो सके कि जब भी कोई चीज़ रीड करें इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड चाहते हैं तो जब भी कोई चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ें, चाहे वो आपकी इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश में ही कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी साइंस की बुक हो सकती है, SST की बुक हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, कोई स्टोरी बुक हो सकती है, कुछ भी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, आप जिसको पसंद करते हैं पढ़ना, ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। और उसमें आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें किस किस तरह के वर्ड्स पढ़ने में आ रहे हैं और उनका मीनिंग क्या है और किस टेंस में किस उसमें वो मीन सेंटेंस है। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज में पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंस हैं अगर उनको चेंज आप खुद भी करिए, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस पॉजिटिव के आप खुद भी कोशिश करिए, नेगेटिव में बदलने की कोशिश करिए और इंटरोगेटिव में भी बदलने की कोशिश करिए। तो ये आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग काइंड ऑफ सेंटेंस में बदलने की कोशिश आपको करनी चाहिए, जिससे आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी कि जब हम कोई सेंटेंस में बदलाव करते हैं तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पर है मिस जैदी लुक्स हैप्पी, तो यहाँ पर क्या है, मिस जैदी डज नॉट लुक हैप्पी। अब यहाँ लुक्स हैप्पी था, यहाँ लुक हैप्पी आ गया, एस हट गया, क्यों हुआ, यहाँ हेड था, यहाँ हैव आ गया, क्यों हुआ, ठीक है। ही किल्ड द स्नेक यहाँ पे आ गया, डिड नॉट किल द स्नेक, तो ये किल्ड का किल क्यों हुआ, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे रमन प्लेज हॉकी, तो यहाँ पे आ गया रमन डज नॉट, और यहाँ प्ले आ गया, एस हट गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे समझने को मिलेंगी। फ़िलहाल अभी आप इसी तरह के सेंटेंसेस से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है वहाँ डू के रूप में डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग फुल वर्ब के पहले करके वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है, ये ग्रामेटिकल जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये इसी तरह की लैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसी ये लाइंस लिखी हुई हैं। और कभी कभी आपको ये लग सकता है कि इन लाइनों को पढ़ के कन्फ्यूजन पैदा हो और आपको हो सकता ऐसा लगे कि ये तो बड़ा कठिन है इस तरह की लैंग्वेज को समझ के इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, लेकिन उसका तरीका यही है, उसका सॉल्यूशन यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ये चीज़ें रटने की याद करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है ऐसे ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेंटेंसेस को चेंज करके और नए नए सेंटेंसेस को कंपोज करके बना के प्रैक्टिस करके हम इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस से इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, जैसे प्लीज़ सिट हियर, ये क्या था, एक रिक्वेस्ट या वो है ऑर्डर, मैं तो नहीं कह सकते लेकिन ऑर्डर जैसा भी हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकती है। अब इसको नेगेटिव में करना है, प्लीज़ डोंट सिट हियर, ठीक है, तो ये प्लीज़ लगने की वजह से रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, अगर प्लीज़ हटा देंगे तो ये डोंट सिट हियर, ये एक ऑर्डर भी हो गया। लेकिन कभी कभी हम प्लीज़ के साथ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जब किसी को कहना चाहते हैं प्लीज़ डोंट सिट हियर, यानी हम प्लीज़ तो लगा रहे हैं लेकिन है वो ऑर्डर ही,
तो ये इस तरह से ये सारे सेंटेंस हैं जिनको नेगेटिव में अगर हम बोलेंगे कम इन डोंट कम इन, तो इसके भी नेगेटिव ये हैं इम्पेरेटिव के। और उधर जो ये ऊपर हमने देखे थे ये अफर्मेटिव और नेगेटिव हैं, यानी असर्टिव जो सेंटेंस होता है सबसे ऊपर वाला ये है असर्टिव। तो ये असर्टिव जो सेंटेंस थे इसके ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, और ये इम्पेरेटिव के अपने आप में एक पॉजिटिव इम्पेरेटिव हो गया एक नेगेटिव इम्पेरेटिव हो गया। तो ये इसके भी नेगेटिव सेंस में ये यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी आप स्टडी करेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये है यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग करके नेगेटिव बनाए गए हैं, प्लीज़ वाले वाक्यों में प्लीज़ के पश्चात डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर ये कुछ और नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू। अब अगर इसको नेगेटिव किया ही हैज़न्ट एनी न्यूज़ फॉर यू या ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू, इसको दो तरह से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जो वर्ड है सम ये है सम, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, तो ही हैज़ और न्यूज़ फॉर यू ये तो इसमें भी है, ही हैज़ यहाँ हैज़ है इसमें नॉट जुड़ गया है, और न्यूज़ फॉर यू यहाँ पर भी था यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अब क्या सिर्फ फ़र्क आया कि नॉट एनी या नो ये लगा है इसमें, इसमें अकेला नो लगा है और इसमें ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म और एनी। इस तरह से इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज़ है, तो अब हिंदी में ये क्या है ही हैज़न्ट एनी न्यूज़ फॉर यू कि उसके पास तुम्हारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस का मतलब वही है, उसके पास तुम्हारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। इस तरह से आगे देखते हैं योर फादर, इस तरह से अब आगे देखते हैं योर फादर टोल्ड मी समथिंग कि तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ बताया था। अब इसको नेगेटिव में फिर वही है दो तरह से, एक में है योर फादर डिडंट टेल मी एनीथिंग, योर फादर टोल्ड मी नथिंग। तो ये इसमें नॉट अलग जुड़ा ये शॉर्ट में डिड के साथ और एनीथिंग यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ नॉट और एनी साथ में आया था, यहाँ नॉट और एनीथिंग अलग अलग आया, और इनका दोनों का मतलब अगर नथिंग हमने लगा दिया है किसी जगह तो इसका और इसका मिला के जो काम होता है वो अकेला नथिंग कर रहा है, नॉट और एनीथिंग को मिला के नथिंग हो गया यहाँ पर। तो ये इन दोनों वर्ड्स का एक ही का ये इधर पे मतलब पूरा कर रहा है। इसी तरीके के सारे यहाँ पर ये एग्जांपल्स आपको देखने में मिलेंगे, इनको आपको स्टडी करिए और इससे ही इसी के जैसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज आ जाती है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म्स। अब ये आपको नेगेटिव में करना है, क्या करेंगे नेगेटिव में कि आई हैव सीन द ताजमहल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, इसमें नॉट लगा देंगे कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे क्या लग जाएगा नॉट। ठीक, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। इसी तरह से ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो बद से बदतर हो गया। बैड का मतलब होता है बुरा या उसकी कंडीशन ख़राब होना, कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है उसको हम बैड बोलते हैं कि ख़राब है बुरी है, और वर्स का मतलब कि ख़राब से जो एक और ज़्यादा ख़राब हो जाना उसको वर्स कहते हैं। तो ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, वेंट का मतलब, वेंट का क्या मतलब होगा कि जाना, या अब इधर होने के तौर पे यूज़ किया गया है कि वो बुरे से और बुरा हो गया, ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। अब ये किसी भी कंडीशन में यूज़ हो सकता है, उसकी तबीयत किसी के इंसान की तबीयत ख़राब होने के बारे में बात हो सकती है,
कोई बिगड़ जाता है, गलत सोहबत में पड़ जाता है, उसकी भी बात हो सकती है। ये वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। तो जैसा भी है, किसी की तबीयत ख़राब होना या किसी का उसके तौर तरीके, उसका व्यवहार ख़राब से और ज़्यादा ख़राब हो जाना, तबीयत और ख़राब से ख़राब हो जाना, उस सेंस में ये सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, इसको आप सोचिए। फिर यू कैन फाइंड दिस इट्स आंसर समवेयर इन द बुक। इसको कैसे नेगेटिव करेंगे, मुकेश इन, अब यहाँ मिसप्रिंट है ये, मुकेश इन फॉन्ड ऑफ ऑरेंजेस लिखा है, जबकि ये इन नहीं इज़ होना चाहिए, मुकेश इज़ फॉन्ड ऑफ ऑरेंजेस। एक बात का आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ गलत भी होता है, तो कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता, गलत छपा होता है, मिसप्रिंट होता है। तो ये तरीका क्या होता है कि जब इनकी प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन की, बुक्स की, तो प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि अब ये हमको सबको मालूम है कि जो ये टाइपिंग वगैरह होती है कौन लोग करते हैं, टाइपिस्ट करते हैं। टाइपिस्ट या ये जो लिखने वाले लोग हैं, राइटर जो होता है वो पेन, ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप भी करे। किसी ने बुक लिखी, कोई लेखक होता है, तो लेखक क्या करता है कि उसको बुक तो लिखनी है लेकिन अब टाइपिंग नहीं आती, तो वो तो एक रफ़ पेपर में अपने पेन से लिख देगा, फिर कोई उसको टाइप करता है। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, हाथ का लिखा हुआ कभी समझ में नहीं आता, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी। टाइपिस्ट कभी कभी उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर कोई 10th क्लास पास करे हुए वो भी टाइपिस्ट हो सकता है, लेकिन जो लेखक होता है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD इस तरह के हाई एजुकेशन लिए हुए होता है। तो अगर कोई टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है और बाद में कोई चेक नहीं कर पाया, क्योंकि लिखी हुई किताब जो होती है राइटर के हाथ की, उसका छपने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले रफ़ पेपर्स पे कोई राइटर उसको लिखता है, फिर टाइपिस्ट उसको टाइप करता है, फिर उसके प्रिंट आउट निकलते हैं, फिर वो किसी ऐसे पर्सन को दिए जा सकते हैं, या तो वो पर्सन वही राइटर होगा जिसने पहले हाथ से लिखे थे कागज़ कि वो अपने लिखे हुए चेक कर ले, या फिर कोई प्रूफ रीडर होता है प्रिंटिंग प्रेस में जहाँ किताबें छपती हैं, वहाँ पर कोई पर्सन ऐसा होता है जो किताब छपने से पहले टाइप किए हुए मैटर को ठीक तरीके से पढ़ता है और उसमें कोई गलतियां जो होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उनको सबको ठीक करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं, छपाई वाली जगह होती हैं, वहाँ पे या तो ऐसे लोग होते नहीं हैं या उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी में कुछ कमी होती है, तो इस तरह की मिस्टेक्स छूट जाती हैं, क्योंकि जहाँ सस्ता काम होता है वहाँ सस्ते लोग रख लिए जाते हैं और उनकी नज़र से ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो या तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे पब्लिकेशन की छपी हुई है, बहुत कोई फेमस या रिनाउंड, जिसकी इमेज उस कंपनी की बहुत अच्छी है, ऐसे किसी कंपनी की बुक है, तब तो हम भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई सस्ती बुक्स हैं या ऐसे किसी नए कंपनी ने छापी हैं, नए पब्लिकेशन ने छापी हैं, तो उनको पढ़ते वक्त हमको केयरफुल रहना चाहिए और ये सोच के पढ़ना चाहिए कि उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। बुक में जो एक बार छपा है गलत भी हो, उसको बिल्कुल आँख बंद करके सही नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ पर ये वर्ड था मिस्टेक, जिसकी वजह से ये सब बात आपको बताई। आगे इसमें और भी गलतियाँ मिल सकती हैं, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, कभी आपको कोई बात समझ में आए आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये गलती है या आप उसको गलत समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपकी एक हैबिट पड़ती है और वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी यूज़फुल ये रहेगा, इस तरह का अगर आप करते हैं तो। अब आगे सब देख लीजिए, ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं, आपको ये सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट करके फिर आपको अपना ये होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, ये आपका टास्क रहेगा। फिर इस तरह से यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म्स, इसमें भी नेगेटिव में बदलना है। पूनम हैज़ डन हर होमवर्क, अब यहाँ पे भी इधर नॉट लग जाएगा, तो ये अपना सिंपली एक नॉट लगाने से यहाँ पे नेगेटिव में हो गया। फिर दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, अब यहाँ कैसे होगा, तो ये पहले हम हिंदी में समझते हैं कि दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं। और अगर हम ये कहना चाहें कि वो सुबह टहलने नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर तो नॉट लगा दिया था, क्या यहाँ नॉट लगाने से हो जाएगा?
अगर नॉट हम लगाने की कोशिश करेंगे कहाँ लगाएंगे, दे नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दे डोंट गो, डोंट, डू नॉट लगेगा यहाँ, डू और ये जो नॉट है ये तो लगेगा ही, डू और नॉट साथ में लग के फिर दे डू नॉट गो, या डू और जैसे ये डू हो गया और ये नॉट हो गया, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये डोंट हो जाता है, डी ओ एन, और फिर ये शॉर्ट में इस तरह से डोंट लिखा जाता है। तो ये और ये बात एक ही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो फिर आगे जो सेंटेंसेस हैं उसको आप लोग तो देखिए, जैसे एक ये ले लेते हैं, एट्थ वाला, वी सॉ अ लेम डॉग इन द स्ट्रीट। लेम का मतलब होता है क्या? लंगड़ा। वी सॉ अ लेम डॉग या लंगड़ा, जैसे किसकी कुत्ते की टांग में चोट लग जाती है, पैर से वो लंगड़ा के चलता है, तो ये उस लंगड़े कुत्ते को स्ट्रीट पर यानी कि सड़क पर या गली में देखा। तो वी सॉ, अब इसमें सॉ लगा है यानी कि ये सी का पास्ट टेंस है, जो सी होता है वो उसका क्या मतलब होता है? देखना, और सॉ ये हो गया पास्ट टेंस। तो जब इसको नेगेटिव में करेंगे तो अभी तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमने एक लंगड़े कुत्ते को सड़क पे देखा या गली में देखा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब इसको नेगेटिव करेंगे तो वी के बाद और यहाँ पे डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, और फिर ये लग जाएगा सी, इसके बाद डिड नॉट के बाद यहाँ, वी डिड नॉट सी अ लेम डॉग इन द स्ट्रीट, ये इस तरह से बनेगा। अब जो ऊपर अभी आपको बताया था कि क्यों ये इस तरह से, जब सेंटेंसेस आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो बताया था कि हेड का हेडेंट, ये डिड नॉट क्यों हो गया, डज नॉट क्यों हो गया, तो ये इधर भी वही चीज़ हो रही है। अब ये आपको पहले सोचना है, अपने हिसाब से इसका पता लगाना है, फिर आपको बाद में इसके रूल्स और एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। फिर आगे और है ये, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर अफर्मेटिव फॉर्म्स। अब अफर्मेटिव फॉर्म्स का क्या मतलब हुआ कि ये जो नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव में चेंज करना है। दे डिड नॉट लिव देयर, दे डिड नॉट लिव देयर। अब इसका मीनिंग पहले तो मीनिंग समझे, फिर हम उसको कर सकते हैं। दे डिड नॉट लिव देयर का, हेयर का मतलब क्या है कि वे यहाँ नहीं रहते, ये वे यहाँ नहीं रहे। दे डिड नॉट लिव हेयर कि वे यहाँ नहीं रहे। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा? वे यहाँ रहे, वे यहाँ नहीं, ये तो हो गया इसका जो अभी ये सेंटेंस का मीनिंग है, दे डिड नॉट लिव हेयर, वे यहाँ नहीं रहे। अब इसका पॉजिटिव करेंगे तो ये नहीं हटाना है हमको, ये वाला, तो क्या बचा? वे यहाँ रहे। अब वे यहाँ रहे का इंग्लिश क्या होगी? दे, वही का वही आ जाएगा जैसा है, और डिड नॉट लिव, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो लिव का सिंपल पास्ट में जाएंगे तो लिव्ड हो जाएगा, दे लिव्ड, और हेयर तो ये है ही है, यहाँ पे हेयर आ जाएगा, बस दे लिव्ड हेयर, ये इसका चेंज हो गया पॉजिटिव में। इसी तरीके से आप लोग इसको देखने की कोशिश करिए। अब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, कि जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनके क्वेश्चंस वाले सेंटेंस बनाना। अब देखिए फिर से यहाँ पर वही मिस्टेक आ गई कि यहाँ पर शी एम एन इंजीनियर लिखा हुआ है और इसका क्वेश्चन ये बनाया है, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ, इसका ये मतलब है। तो इसका पॉजिटिव क्या होना चाहिए? सवाल है ये, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ,
तो यहाँ जो शी लिखा है, शी ना आके यहाँ पर आई होना चाहिए, ये वाला आई, मैं वाला। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। और उसका जब क्वेश्चन बनेगा एम आई एन इंजीनियर, ये हो गया। शी इज़ अ टीचर, इज़ शी अ टीचर। यू हैव अ साइकिल, हैव यू अ साइकिल। सोहन हैज़ अ काओ, हैज़ सोहन अ काओ। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, आर दे ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसमें अगर आप ये ध्यान दें तो ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं जो कि पॉजिटिव थे, कौन से थे ये? अफर्मेटिव। इनको यहाँ पर इंटरोगेटिव में बदला गया है, क्वेश्चन में बदला गया है। और बदलने के लिए सिर्फ क्या करा गया है, इसमें से सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, वर्ड्स को आगे पीछे करके कर दिया गया है। यानी आई एम एन इंजीनियर में यहाँ, जैसे ये तो चलो मिसप्रिंट था, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, शी इज़ अ टीचर। इसके लिए क्या किया गया, ये जो इज़ है यहाँ पर उसको आगे ले आए, ये इज़ आ गया कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। और शी आ गया उसके बाद, इज़ शी अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, इज़ शी अ टीचर। यू हैव अ साइकिल, हैव यू अ साइकिल। वर्ड्स उतने के उतने हैं, वही वही हैं, सिर्फ उनका सीक्वेंस आगे पीछे करके जो वर्ब था उसको पहले ले आए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को सामने ला के ये क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये डब्ल्यू एच वाले नहीं थे ये। अब यहाँ पे आ जाइए, शी नोज़ मी, डज शी नो मी। सोहन लिव्स इन चंडीगढ़, डज सोहन लिव इन चंडीगढ़। ये भी दूसरे तरीके के इंटरोगेटिव जो बनाए गए हैं, ये पॉजिटिव से। यहाँ आप इसको जो इसकी ग्रामेटिकल रूल्स हैं इसको पढ़ के आप समझने की इसको कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा दिया गया है, इनको समझने का एक तरीका सही ये है कि आप बिल्कुल जल्दबाजी में इनको ना पढ़ें, इन चीज़ों को। ये पढ़ाने को आपको बोल के हम बोल सकते हैं, आपको ये बोल के पढ़ के सुना दिया जा सकता है कि ये लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर शेष सभी फुल वर्ब से प्रश्नवाचक संख्या बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू, डू डज डिड का समावेश किया जाता है, तथा सब्जेक्ट को डू तथा फुल वर्ब के बीच में रखा जाता है। लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से समझने के लिए इसको बार बार पढ़ के और उसको प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन वर्ड्स, वर्ड क्वेश्चंस हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हु। अब ये आ गए डब्ल्यू एच वाले, देखिए। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस हैं, व्हाट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। कि आपके पिता क्या करते हैं, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। वेयर वॉज द बेबी, वेयर, वाई, वैन, ये सब लगा हुआ है इसमें। इनको ये बदला गया है यहाँ पर पॉजिटिव में, इनका आंसर दिया गया है। ये इसके जवाब हैं एक तरीके से, ये क्वेश्चन है और ये उनके आंसर हैं, ठीक है। फिर वॉट आर यू ईटिंग, वैन आर दे कमिंग होम, वेयर हैज सल्ला गॉन, ये सब भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हैं, ये इनके आंसर्स हैं। ये डब्ल्यू एच वाले हैं, ये इनके आंसर हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू लगा है, ये बी और हैव के हैं। इस तरह से इनमें कुछ कुछ फ़र्क है, इनको आपको डिफरेंस समझने के लिए बहुत गहराई से इनको रीड करके और इनके मीनिंग्स समझने पड़ेंगे, तो आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आ जाएंगे। जब नहीं समझ में आए तब फिर उनके बारे में आप क्वेश्चन करिए। अब ये एक्सरसाइज 4 यहाँ पर है, इसमें क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू दर इंटरोगेटिव फॉर्म्स। कि इसको अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म में इनको चेंज करना है। ही केम लेट यस्टरडे, तो अब इसका सवाल बनाना है। तो सवाल बनाने के लिए तरीका वही है कि पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्या मीनिंग है। ही केम लेट यस्टरडे, कि वो कल देर से आया, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कि क्या वो कल देर से आया। अब क्या वो कल देर से आया का इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे, कि ही केम लेट यस्टरडे, तो इसका क्या बनेगा, डिड ही कम लेट और ये हो गया यस्टरडे, ठीक है। डिड ही कम लेट यस्टरडे और ये लग गया क्वेश्चन, तो ये आपका इसका बन गया, ठीक। अब और दूसरे इसी तरह से पढ़ के समझ के, अब्बास केम टू मीट मी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका जैसे क्वेश्चन बनेगा, तो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्या मतलब है।
अब्बास मुझसे मिलने आया, तो अब इसका क्या बनेगा क्वेश्चन कि क्या अब्बास मुझसे मिलने आया, डिड अब्बास, इसी तरीके से डिड अब्बास केम, डिड अब्बास कम टू मीट मी, डिड, और फिर ये अब्बास यहाँ पे लग जाएगा कम टू मीट मी और ये क्वेश्चन मार्क, डिड अब्बास कम टू मीट मी, ये इसका हो गया। दे फ्लू टू मुंबई लास्ट वीक, अब फिर इसमें इसी तरह से आप कोशिश करिए कि डिड के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक, फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर इंटरोगेटिव फॉर्म्स, यहाँ पर भी इनको क्वेश्चन में ही बदलना है। अब आप लोग समझिए कैसे इसको बदलना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसमें सामने जो लिखे हुआ हैं उस तरीके से इनको बदलना है, यानी कुछ पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव करना है, कुछ को अफर्मेटिव हैं कुछ इंटरोगेटिव में बदलना है। अब कुछ इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे दे सेट द हाउस ऑन फायर, ये एक जानकारी दे रहे हैं, इस सेंटेंस से हमें जानकारी मिल रही है और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर इसको लिख दिया कि अफर्मेटिव में ही चेंज करना है, तो ये एक मिस्टेक है। किसी और तरह का सेंटेंस हो सकता था, या यहाँ पर इसको मान लीजिए कि कुछ और में बदलना है। अगर ये एक्सक्लेमेशन में भी बदलना हो कि आश्चर्यचकित होके बोलने के लिए इसको कैसे क्या करेंगे, तो इसको कोशिश करिए आप इसको बदलने की एक्सक्लेमेशन में। ठीक, तो ये आपकी सेंटेंस की जो चैप्टर था सेंटेंस का, इसका एक्सप्लेनेशन प्लस इसके एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइजेज, ये पूरी हो गई हैं। अब आपको एक बार यहाँ से इसको पढ़ने के लिए भी आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट हो गया, फिर इसको धीरे धीरे आप शुरू से स्क्रॉल करके और ये पूरा रीड कर सकते हैं, पॉज करके प्ले करके कुछ स्क्रीनशॉट लेके उसको एनलार्ज करके देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप उसको जो भी इसमें एग्जांपल्स हैं उनको देखिए और जो एक्सरसाइजेज बोली गई हैं उनको आप करिए और सबमिट करिए। जो चीज़ प्रॉब्लम अगर कुछ आती है तो उसमें फिर आप अपने डाउट्स क्लियरेंस वाले सेशन में या ग्रुप में क्वेश्चन करके भी या अलग से पूछ सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपना होमवर्क सबमिट करते हैं उस तरीके से। ओके, सो गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए आप अपना इसको अच्छी तरह करिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।